जदयू क्या विचार कर रही है मंत्रिमंडल को? देखिए, इसमें कोई विचार पार्टी करे इसकी जरूरत कहां है? जब पार्टी की सदस्यता का विस्तार नहीं हो पाया उसके उस परिस्थिति में, अब जो राजनीतिक परिस्थिति है, अब आगे भी मंत्री बने हुए रहेंगे इसका कोई औचित्य मुझको तो समझ में नहीं आता, लेकिन उनको अब विचार करना चाहिए। इसमें मेरी कोई सलाह नहीं है, कोई मेरी मांग नहीं है, लेकिन विचार उनको करना चाहिए। अब बने हुए हैं इसका कोई मतलब नहीं। तो क्या नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए? हमने कहा कि कोई सुझाव हम नहीं दे रहे हैं, हम कोई डिमांड कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि अब राजनीतिक परिस्थिति ऐसी हो गई जब उनकी सदस्यता का विस्तार नहीं हुआ, तो अब उस परिस्थिति में फिर आगे बने रहे इसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। और जब मतलब नहीं है तो उनको डिसीजन लेना है, उसमें हम कोई राय नहीं दे। पार्टी काफी लोगों पर कार्रवाई कर रही है, कल भी 4 लोगों पर कार्रवाई की है। लगता है कि आने वाले समय में जिला स्तर पर भी वैसे लोग जो पार्टी अनुशासन तोड़ रहे हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए मानी जा रही है? देखिए, कोई भी पार्टी, हमारी पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी, पार्टी के खिलाफ कोई व्यक्ति काम करेगा और फिर दल में रहे, दोनों बात कैसे हो सकती है? तो जनता दल यूनाइटेड में भी पार्टी के लाइन के खिलाफ कुछ लोग इधर उधर कर रहे थे, बोल रहे थे, लिख रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई आवश्यक थी, तो कार्रवाई हुई। आगे भी ऐसी जरूरत होगी तो कार्रवाई होगी। यह तो एक पार्टी का आंतरिक मामला होता है और अनुशासनिक कार्रवाई सब दल में होती है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।